नमस्कार, मैं हुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज दशहरा के दिन रावण दहन कुछ इस प्रकार होगा खास। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया अहम फैसला। ये है बिहार का सबसे स्वच्छ शहर। पीएचडी करने वालों को मिलेगा फेलोशिप। पीएचईडी में संविदा पर भरे जाएंगे 264 पद। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज दशहरा के दिन रावण दहन कुछ इस प्रकार होगा खास। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशवीं यानी दशहरा है। राज्य भर में आज अन्य 9 दिन की अपेक्षा काफ़ी चहल पहल देखने को मिलेगी और आज के ही दिन रावण का दहन भी होगा। वैसे तो दशहरा को लेकर कई प्रकार के किस्से हैं, लेकिन कहा जाता है कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाते हैं। खासकर इस अवसर पर बुराई के अंत के तौर पर रावण का पुतला बनाकर दहन किया जाता है और आज ही वह दिन है जब राजधानी पटना में इस बार 70 फीट ऊँचा रावण का दहन किया जाएगा। शाम 4 बजे से दर्शकों का गांधी मैदान में प्रवेश शुरू हो जाएगा। रावण वध का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बार के लंका दहन की सबसे खास बात है कि लंका के आगे 2 द्वारपाल होंगे और उनके बीच हनुमान जी अंदर जाकर पूरी लंका को जलाते हुए सीता मां को लेकर निकलेंगे। ये दृश्य देखने में काफी खूबसूरत और आकर्षक होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मुकेश कुमार की। मुकेश कुमार एक भारतीय क्रिकेटर हैं। मुकेश कुमार बंगाल से रणजी क्रिकेट खेलते हैं। मुकेश का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले के काकड़कुंड नामक गांव में हुआ था। मुकेश का प्रदर्शन इंडिया के टीम ए में बेहतर होने के कारण पहली बार वर्ल्ड कप 2022 के ठीक पहले होने वाले दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे मैचों के लिए राष्ट्रीय टीम में सेलेक्शन हुआ है। इनका उसके पहले तक सफ़ेद बॉल में शानदार प्रदर्शन रहा है। 27 वर्षीय मुकेश कुमार राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उन्होंने 30 फर्स्ट क्लास मैचों में 109 विकेट लिए हैं। मुकेश ने फर्स्ट क्लास मैच में 5 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। साथ ही उन्होंने 4 पारी में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया है। 18 लिस्ट ए मैच में 5.17 की इकॉनमी रेट के साथ 17 विकेट चटकाए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अधर में लटकी निकाय चुनाव। बिहार निकाय चुनाव में फंसे आरक्षण के पेज पर बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर बीते दिन स्पष्ट किया कि प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में EBC के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक बिहार सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 3 जांच अर्हताएं नहीं पूरा कर लेती। ऐसे में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव अधर में लटक गया है। बता दें कि 19 नगर निगमों में 9 जगहों पर महिला और उप महापौर महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए गया और समस्तीपुर नगर निगम में महापौर और उप महापौर पद आरक्षित है। वहीं अति पिछड़ा वर्ग के लिए महापौर के 3 पद आरक्षित किए गए हैं। हजारों पदों पर विद्यालय सहायक व परिचारियों की होगी सीधी भर्ती। शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। खास बात यह है कि 19,263 विद्यालय सहायक व परिचारियों की सीधी भर्ती की जाएगी। हालांकि इसके लिए अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के माध्यमिक शिक्षा के तहत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद का 50% नियुक्तियाँ अनुकंपा से की जानी है। आपको बताते चले कि सभी उत्क्रमित स्कूलों में 2-2 परिचारियों और 1-1 विद्यालय सहायक का पद सृजित किया जा रहा है। इस तरह इन दोनों पदों के लिए कुल 19,263 पद सृजित किए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया अहम फैसला। बीते दिन निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर अगले आदेश तक निकाय चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया है। बता दें कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के पहले और दूसरे चरण का मतदान क्रमशः 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होना था, जिसे पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद मतदान की तिथि को तत्काल स्थगित कर दिया गया है और यह जानकारी दी गई है कि स्थगित निर्वाचन की अगली तिथि जल्द ही सूचित की जाएगी।
बिहार के ग्रामीण बैंकों का नहीं होगा निजीकरण। हाल ही में एक खबर आई थी कि केंद्र सरकार ग्रामीण बैंकों में अपनी हिस्सेदारी की प्रतिशत आधे से भी कम करने जा रही है, यानी कि बेचने की तैयारी में है। इसके लिए आईपीओ लाने की तैयारी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के ड्राफ्ट के मुताबिक ऐसे क्षेत्रीय बैंक जिन्होंने पिछले 5 सालों के परिचालन में कम से कम 3 साल 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है, उन्हीं बैंकों को आईपीओ लाने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल बिहार के दोनों ग्रामीण बैंक उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक इस दायरे से बाहर हैं। राज्य के दोनों ग्रामीण बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निर्धारित मानक से कम है। पटना का गांधी घाट इस वजह से है बेहद खास। पटना में एक बेहद खूबसूरत जगह है गांधी घाट, इसे आप पटना का रिवर फ्रंट भी कह सकते हैं। गंगा नदी के किनारे पटना में कई घाट हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय घाट गांधी घाट है। यहां गांधी जी की अस्थियां विसर्जित होने के कारण इसका नाम गांधी घाट रखा गया है। इसलिए इस घाट का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। यहां आने वाले लोगों के लिए कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। लोगों को बैठने के लिए बेंच लगाए गए हैं, फूड स्टॉल और रिवर साइड रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। अब यहाँ आप नौका विहार का आनंद भी ले सकते हैं, आप यहाँ क्रूज का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ वीकेंड पर शाम में हजारों लोग गंगा आरती देखने आते हैं। यहाँ हर शनिवार और रविवार को शाम 6 बजे से 7 बजे तक गंगा आरती की जाती है। पीएचईडी में संविदा पर भरे जाएंगे 264 पद। हर घर नल का जल द्वारा दिए जा रहे पानी की जांच नियमित करने व मानक के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व पीएचईडी को मिला है। इसके लिए पीएचईडी द्वारा जल जांच प्रयोगशाला में युवाओं को नौकरी दी जाने वाली है। वहीं सरकार ने प्रयोगशाला के 264 रसायनज्ञ, सहायक रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला सहायक के पदों पर तत्काल संविदा पर सेवा लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि नियमित नियुक्ति में देरी हो रही है। साथ ही नियमित नियुक्ति के लिए आयोग से अनुरोध किया गया है, ताकि अस्थाई बहाली भी जल्द हो सके। यह है बिहार का सबसे स्वच्छ शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। गया को 1 से 10 लाख तक जनसंख्या वाले 400 शहरों की सूची में देश में 179वां रैंक मिला है। वहीं बिहार में पहला स्थान मिला है। पिछली बार की तुलना में गया ने 29 रैंक की लंबी छलांग लगाई है, जिसके बाद गया को यह उपलब्धि हासिल हुई है। बताते चले कि गया 2020 में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में गया सबसे निचले पायदान पर था। नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि गया शहरवासी, नगर निगम के पदाधिकारी तथा सफाई कर्मचारियों को इसका श्रेय दिया जाता है। आज भी मेला का माहौल बिगाड़ेगा मौसम। बिहार में दुर्गा पूजा और दशहरा का माहौल है। बारिश इस जश्न के माहौल में खलल डालने के लिए बेताब है। पूरे बिहार में आज बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। बीते दिन 3 जिलों में अति भारी, जबकि 6 जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात का दौर चलता रहा। वहीं आज भी मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, शिवहर, कटिहार और सुपौल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। राजधानी पटना में भी तेज बारिश होने की संभावना है। ऐसे में मेले का माहौल का पढ़ने की भी उम्मीद है। बोर्ड की परीक्षा में दिव्यांगों को मिलेगा अतिरिक्त समय। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के बोर्ड परीक्षा में कुछ अहम फैसले लेने जा रहा है। खासकर मुख्य परीक्षा में सामान्य छात्रों की तुलना में दिव्यांग परीक्षार्थियों को रियायत देते हुए परीक्षार्थियों को 20 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। ऐसे बच्चों से इनसे वैकल्पिक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। दृष्टिबाधिता बच्चों से डायग्राम व मैप की जगह उतने ही नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें जमीन पर बैठकर परीक्षा देने और उनके लिए लिखने वाले की भी सुविधा मिलेगी। मोकामा विधानसभा सीट के लिए अनंत सिंह की पत्नी को मिली हरी झंडी। बिहार में मोकामा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। बता दें कि बीते दिन राबड़ी देवी के आवास पर अनंत सिंह की पत्नी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मीडिया में चल रही खबर के अनुसार तेजस्वी यादव ने उन्हें जीत की अग्रिम बधाई दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है। वहीं मोकामा और गोपालगंज सीट पर कैंडिडेट के नाम की घोषणा एक साथ की जाएगी। इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है।
बगहा में फिर मिली चार आंखों वाली अजीबोगरीब मछली। बगहा में एक बार फिर से अमेरिका में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति की सकर माउथ कैटफिश मिली है। दरअसल बगहा प्रखंड के चंद्रपुर रतवल पंचायत की रोपुआ नदी में मछली मारने गए मछुआरों को सकर माउथ कैटफिश मिली। लोगों के लिए यह दुर्लभ मछली चर्चा का विषय बन गई है। बता दें कि इस प्रकार की मछली अभी हाल ही के दिनों में बगहा थाना क्षेत्र के बड़गांव में मिली थी। यह मछली पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस विचित्र मछली के चार आंख और एरोप्लेन जैसे पंख हैं, रंग भी चितकबरा है। बिहार में मिले कोविड 19 के 50 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 26 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 171 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बांका, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सिवान में एक, रोहतास में दो, वहीं पटना में सबसे अधिक 14 कोरोना के मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 62,960 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 33 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। पीएचडी करने वालों को मिलेगा फेलोशिप। नेट पास अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। बिहार सरकार अब पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को हर माह 10,000 रुपये की फेलोशिप देगी। मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टरल फेलोशिप के नाम से एक प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। यह उन विद्यार्थियों को दी जाएगी जिन्हें UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से फेलोशिप नहीं मिली है। विद्यार्थियों को इसका लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय की टीम प्राप्त आवेदनों की और फिर सत्यापन करेगी। इसके बाद ही आपको फेलोशिप देने की अनुशंसा करेगी। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर भाजपा सांसद ने नीतीश कुमार से पूछे 3 सवाल। दरभंगा में संचालित एयरपोर्ट को लेकर बिहार में जब से सरकार बदली है पक्ष विपक्ष के बीच खूब बयानबाजियां चल रही हैं। इस बीच दरभंगा से भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा कि एयर टर्बाइन फ्यूल पर राज्य की सरकार वैट की दर अन्य राज्यों की अपेक्षा कितना अधिक लगा रही है, कब तक कम करेगी ताकि हवाई किराया में कमी हो सके। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण में और कितना विलंब करेगी। अंत में सांसद ने जो लाइन लिखी है वह यह है कि केवल और केवल बिहार की सरकार दरभंगा एयरपोर्ट के साथ साजिश कर रही है। पटना में अब हुई फिल्मी चाय वाले की एंट्री। पटना में आए दिन कोई चाय वाला सुर्खियों में रह रहा है। इस बीच अब पटना के मरीन ड्राइव पर फिल्मी चाय वाला का चाय लोगों को खूब भा रहा है और यह चाय वाला वाकई फिल्मी है। दरअसल पटना के JP गंगा पथ पर फिल्मी चाय वाला के स्टॉल पर बनने वाली चाय लोगों को काफी भा रही है। इस स्टॉल की खासियत है कि इसे चार युवा चला रहे हैं, जिनमें किलकारी के 3 सीनियर बच्चे प्रिंस कश्यप, अभिनव कुमार और रोशन राज हैं। वहीं चौथे पार्टनर प्रिंस के भाई मनीष कुमार हैं। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद शाम के वे सभी एक साथ चाय बनाकर लोगों को पिलाते हैं। वहीं प्रिंस और रोशन ने सुपर 30 फिल्म के अलावा यूनिसेफ के एड, दूरदर्शन के कार्यक्रम और विभिन्न वेब सीरीज में भी काम किया है। प्रशांत किशोर ने ललन सिंह पर बोला जुबानी हमला। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पद यात्रा पर हैं। इस बीच जनसुराज पद यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के जमुनिया गांव में प्रशांत किशोर ने जदयू नेता ललन सिंह के बयान पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसी से आज तक पैसा नहीं लिए हैं, अब ले रहे हैं। बिहार में बदलाव के लिए उनसे फीस ले रहे हैं, जिनके लिए अब तक काम किया है ताकि ये टेंट लगाया जा सके। मेहनत से, अपनी बुद्धि से 10 साल काम किए हैं, दलाली नहीं किए हैं। सुधाकर सिंह ने कहा, मैंने लालू यादव के कहने पर इस्तीफा दिया। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और किसानों से मिल रहे हैं। इस बीच उन्होंने कैमूर में सभा को संबोधित किया और जमकर बरसे। सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं लालू यादव के कहने पर मंत्री बना और उनके कहने पर ही इस्तीफा दिया। मैं 2025 तक MLA हूं और रहूंगा। सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर मैं इस्तीफा नहीं भी देता तो राज्य के मुख्यमंत्री की कलम में इतनी ताकत होती है कि वो राज्य के किसी भी मंत्री को कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। मेरा इस्तीफा जिन मुद्दों पर हुआ है उन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर BJP ने पूछा आयोग गठन की जिम्मेदारी किसकी थी। बिहार के निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं लागू करने पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में EBC के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसके बाद बिहार की सियासत तेज है।
पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच जदयू के उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि उच्च न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा निर्णय केंद्र सरकार और भाजपा की गहरी साजिश का परिणाम है। अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने समय पर जातीय जनगणना कराकर आवश्यक संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पूछा कि आरक्षण के लिए आयोग के गठन की जिम्मेदारी किसकी थी, दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने आयोग का गठन नहीं किया, यह जिम्मेदारी किसकी थी, आयोग का रिकमेंडेशन कराकर अगर आरक्षण की प्रक्रिया किया जाता तो यह नौबत नहीं आती। जेपी की जयंती पर होगा सियासी वॉर। एक बार फिर से संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण को लेकर देश में बड़ी सियासत हो रही है। इसके लिए अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो नीतीश कुमार नागालैंड दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार उसी दिन बिहार लौट जाएंगे और बिहार में भी अपना मोर्चा संभालेंगे और अपनी जुबानी जेपी की कहानी कार्यक्रम में शामिल होंगे जो बड़े स्तर पर पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जा रहा है। वहीं अमित शाह का दौरा इस बार जेपी के गाँव सिताब दियारा में होगा, जहाँ वो एक बार फिर से बड़े मन से बिहारियों को संबोधित करेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ। समाज सुधारक एवं स्वतंत्र सेनानी किशोरी लाल मशरूवाला का जन्म 1890 में हुआ। भारतीय अभिनेता, हास्य कलाकार, राजनीतिक व्यंग्यकार, नाटककार, फिल्म निर्देशक और अधिवक्ता रामस्वामी का जन्म 1934 में हुआ। भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ लॉर्ड कार्नवालिस का गाजीपुर में निधन 1805 में हुआ। भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जोन्स का निधन 2003 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे राम बान सुरक्षा योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री राम बान सुरक्षा योजना के अंतर्गत युवाओं को मिलने वाली राशि के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री राम बान सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी युवाओं को 4000 रुपये की मदद राशि मिलेगी। पीआईबी ने इस दावे को फर्जी बताया है। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, ऐसी फर्जी वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। गूगल ने पड़ोसी देश चाइना को दिया तगड़ा झटका। गूगल के एक फैसले से पड़ोसी देश चीन को बड़ा तगड़ा झटका लगा। इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल ने घोषणा की है कि वह चीन में अपने ट्रांसलेशन फीचर को बंद कर देगी। चीन के कुछ यूजर्स ने 30 सितंबर को देखा कि वो गूगल पर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब वे गूगल ट्रांसलेट के पुराने एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें हांगकांग साइट पर रिडायरेक्ट किया गया। इससे पता चलता है कि गूगल ने वहां अपनी ट्रांसलेट की सुविधाएं बंद कर दी हैं। बता दें कि गूगल ने 2017 में चीन में अपनी ट्रांसलेट सेवाओं की शुरुआत की थी। आदि पुरुष को बिहार में बैन करने की मांग। दक्षिण भारतीय सुपरस्टार प्रभास और हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा कृति सेनन की आने वाली फिल्म आदि पुरुष के टीजर को लेकर विवाद छिड़ गया है। राजनीतिक दलों के विरोध के बाद साधु संतों ने भी फिल्म में दिखाए गए पात्रों के लुक पर आपत्ति उठाई है। इसके कुछ समय बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी के MLC संतोष कुमार सिंह ने मांग की कि इस फिल्म से हिंदुओं की भावना आहत हो रही है, इसलिए आदि पुरुष को बिहार में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल इस फिल्म में राम भक्त हनुमान के पहनावे पर आपत्ति जताई गई है। वहीं रावण के लुक को पारंपरिक लुक से बिल्कुल अलग दिखाया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बताया जा रहा है। मुकेश सहनी ने कहा, भाजपा सरकार आरक्षण के खिलाफ है। निकाय चुनाव बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है के सिन्हा, उमेश ऋषिदेव, योगेंद्र सिंह, शंकर मुखिया, मनीष कुमार, संजय शर्मा, प्रभात जायसवाल, अतीक खान, नित्यानंद दास, मंतोष कुमार, राजू महतो और यस्मीन आरा और पीयूष पटेल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि स्वच्छता के मामले में आप अपने शहर को 1 से 10 में कितना अंक देंगे। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखें। धन्यवाद।